किसी लोकतांत्रिक समाज में व्यवस्थाओं को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की आवश्यकता होती है। संविधान के रूप में एक ऐसा ही कानून 1949 में बनाया गया जो देश का सर्वोच्च कानून है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान है, तो अपराधी को दंडित करने की प्रक्रिया का बकायदा उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है। इन कानूनों का मकसद समाज में हो रहे अपराध और अपराधी प्रवृत्ति को समाप्त करना है। इसमें हमारा पुलिस बल मुख्य भूमिका निभाता है। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम बात करेंगे कि अपराधों को नियंत्रित करने के प्रयास में पुलिस एनकाउंटर कहां तक उचित है। पुलिस एनकाउंटर के विधिक पक्ष को देखा जाए तो इसका प्रावधान कानून में कहीं नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस एनकाउंटर कैसे कर देती है, तो इसका जवाब है आत्मरक्षा। जी हाँ, पुलिस जब भी किसी अपराधी का एनकाउंटर करती है तो वह आत्मरक्षा में ही करती है। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 4 के तहत धारा 96 से 106 के बीच साधारण अपवाद के तहत आत्मरक्षा का प्रावधान किया गया है। आत्मरक्षा का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर या संपत्ति को बचाने के लिए फाइट कर सकता है, लेकिन कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने बचाव में किसी पर गोली तभी चला सकता है जब यह सुनिश्चित हो जाए कि बिना गोली चलाए वह आदमी जान या संपत्ति को नहीं बचा सकता। आईपीसी की धारा 99 कहती है कि आत्मरक्षा में किया गया हमला तर्कसंगत होना चाहिए। वहीं आईपीसी की धारा 100 में प्रावधान है कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी अपराधी की मौत भी हो जाए तो बचाव हो सकता है, बशर्ते कानूनी प्रावधानों के अनुसार ऐसा कार्य कारित किया गया हो। गंभीर चोट, रेप, दुराचार, अपहरण, एसिड अटैक, लूट, रात्रि गृह भेदन जैसे कृत्यों की सूरत में सेल्फ डिफेंस में किए गए अटैक से अगर अपराधी की मौत भी हो जाए तो अपना बचाव किया जा सकता है, लेकिन इस बात को साबित करना होगा। दंड संहिता 1860 की धारा 106 कहती है कि अगर भीड़ द्वारा हमला किया जाए तो आत्मरक्षा में भीड़ पर भी गोली चलाकर मृत्यु तक कारित करने जैसा कृत्य किया जा सकता है। इसमें बच्चे व महिलाओं को क्षति पहुंचाई जा सकती है। एक बात यहां ध्यान देने लायक है कि आत्मरक्षा में किसी को मारने तक का कृत्य कारित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन स्वयं की रक्षा करने का प्रावधान कानून में किया गया है। अब बात करते हैं कि एनकाउंटर क्या है। दरअसल जब पुलिस आत्मरक्षा में किसी अपराधी को जान से मारती है तो उसे ही एनकाउंटर कहा जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ कानपुर के विकास दुबे के साथ। पुलिस के अनुसार विकास दुबे सिपाही से असलहा छीनकर भाग रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वह हमला कर सकता था और उसके हमले से पुलिस वालों की जान भी जा सकती थी। इसके प्रत्युत्तर में उतनी ही क्षति पहुंचाने के लिए आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई और गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो गया। पुलिस एनकाउंटर हमेशा सच हो जरूरी नहीं, लेकिन होने वाला एनकाउंटर हमेशा फर्जी ही हो यह भी जरूरी नहीं। पुलिस के प्रति हमारी मानसिकता है कि एनकाउंटर हमेशा फर्जी ही होता है, लेकिन जब हैदराबाद पुलिस ने रेपिस्ट का एनकाउंटर किया था तो यह जनता को तर्कसंगत लगा था। यहां एक बात और ध्यान देने लायक है कि आत्मरक्षा के उत्तर में अपराधी को आत्मरक्षा का अधिकार सामान्यतः नहीं मिलता, लेकिन जब आत्मरक्षा में किया गया हमला अधिक हो तो अपराधी को भी आत्मरक्षा का अधिकार मिलता है। विकास दुबे के मामले में पुलिस भले ही कह रही हो कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो सब कुछ नाटकीय ढंग से हुआ है, क्योंकि विकास दुबे का मध्य प्रदेश में पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी और फिर भागना दोनों बातें समझ से परे हैं। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिना किसी पुख्ता सबूत और जांच के हमें किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।